तो ये जो आप ईरानी चाय पी रहे हैं, इसकी क्या खासियत है? इसमें क्या है कि इसका धातु के बर्तन की चाय है और नमक इसमें मिला रहता है और इसकी चाय की पत्ती पोटली में इस बर्तन में पड़ी रहती है, तो इसकी इम्यूनिटी जो है भोपाल के अंदर मशहूर है और इसको पीने का स्वाद बहुत अच्छा है। अपन आम घर में बनाते हैं तो वो क्वालिटी नहीं आती जो इस बर्तन की क्वालिटी और नमक की चाय की आती है। इससे लोग पीने से काफ़ी मतलब राहत महसूस करते हैं। इसकी चाय की पत्ती इसी में बर्तन में पड़ी रहती है, बॉयल होती रहती है और ये कई धातुओं से बना हुआ बर्तन है। इसकी चाय का पीने से पूरे मतलब इसमें आयरन है, कैल्शियम है, वो सब ख़त्म हो जाता है, बैक्टीरिया। तो आप यहाँ पे कब से चाय पी रहे हैं? ये मान के चलिए साहब 30-35 साल तो हो ही गए, 35 साल हो। तो आपको यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है? नहीं, पूरे हर जगह भोपाल में, यहीं नहीं, भोपाल में इतवारा है, जिंसी चौराहा है, सेंटर पॉइंट, ये मेन है जिंसी चौराहा। तो यहाँ की चाय का जो ये आप देखें बर्तन की तरफ, तो इस बर्तन की चाय सबको पसंद है, ख़ास तौर से पुराने भोपाल के लोग हैं वो लोगों को पसंद है, भोपाल की शान है। और यहाँ के जो बाहर से बॉम्बे से सेलिब्रिटीज आते हैं वो भी चाय पीते हैं, वो काफ़ी लोग मतलब इसको पसंद करते हैं, क्योंकि अपन जैसे कश्मीर में जाते हैं तो कावा पिलाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर ये सुलेमानी चाय है, इसको अपन नमक वाली चाय भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सुलेमानी चाय है ये। और शादियों में भी पेटेंट चल रहा है इसका, अब काफ़ी बंद कर दिए लोगों ने, ये सुलेमानी चाय यहाँ बहुत अच्छी है और मैं लोगों से कहूँगा कि इसका आके टेस्ट लें। तो हर चीज़ का एक अपनी क्वालिटी होती है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, पैसे भी कम हैं। अपन दूसरी जगह जाएंगे तो 10 रुपये 7 रुपये, यहाँ पर 6 रुपये, अब वो महंगाई हो गई। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस चाय का टेस्ट आप भी लें